सभी जिलों में यूपी के धारा 144 लागू कर दी गई है और यूपी पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रात भर पुलिस का फ्लैग मार्च जारी रहा। वहीं जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके तुरंत बाद प्रयागराज में किस तरह के हालात थे, देखिए जरा मेरे सहयोगी पंकज चौधरी की एक खास रिपोर्ट। हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, उसी के तहत संगम नगरी प्रयागराज में भी धारा 144 लगी हुई है और जगह जगह पे बैरिगेटिंग लगा दिया गया है। पुलिस की हर जगह पे पेट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह से हम आपको रोड पे दिखाएंगे कि क्या आलम है वहाँ पे, जगह जगह पे एकदम सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ये हम आपको इस समय स्टेशन रोड पे हम आए हैं, जहाँ पे हमेशा चहल पहल रहा करती थी, तमाम लोग आया जाया करते थे, चूँकि स्टेशन से हर आदमी को यात्रा करनी होती, तो ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है प्रयागराज के लिए, जो एकदम सुनसान वीरान दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रास्तों पर एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज जो घटना हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना है। देखिए हम पहुंच चुके हैं यहां पर और ये पहला बैरिगेटिंग आपको दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल के बाहर का। ये पहला बैरिगेटिंग जो है ये दिखाई दिया आपको, यहाँ पर पुलिस की आपको फ्रिगेट दिखाई दे रही है, पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ से रोका जा रहा है। हॉस्पिटल के पास जहाँ पर यह घटना हुई थी, घटना पूरा क्रम यहीं पे हुआ था, तो यहाँ पर बैरिगेटिंग लगा दिया गया है। वहाँ पर आने जाने का जो भी गाड़ियाँ जा रही आ रही उनको बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया है। बैरिगेटिंग के बाहर ही सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो जिस तरह से धारा 144 लगाई गई है, तमाम जो ऐसे यहाँ पे ऐसी जगह है जो मुस्लिम बाहुबल्य एरिया है, वहाँ पर पुलिस की गश्त बराबर की जा रही है। जैसे चकिया है जहाँ पर अतीक अहमद खुद रहा करता था, कसारी मसारी है और महंदोरी है, वहाँ पर जो अतीक अहमद का जो अलीन सिटी है, तो ऐसी जितनी भी जगह यहाँ पे अतीक अहमद का जहाँ साम्राज्य चला करता था या जहाँ पे अतीक अहमद का रसूख रहा करता था, वहाँ पे पुलिसिया जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, आरएफ लगा दी गई है, पीएसी लगा दी गई है, तमाम जो पुलिस की सुरक्षा एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं। आगे देखेंगे कि किस तरह से ये हमलावर आए थे, कहाँ से, कौन थे, कैसे थे, तो उसकी जाँच पड़ताल चालू हो जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।